आर्टिकल 124 काफी ब्रॉड है। ये कहता है कि भारत की एक सुप्रीम कोर्ट जिसमें संसद द्वारा निर्धारित जज होंगे, हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर करेंगे और हर जज 65 की आयु 65 की एज तक अपनी सेवाएं देंगे। 124 आगे कहता है कि कोई भी या तो रिजाइन या फिर संसदीय प्रणाली के तहत दी गई प्रक्रिया के जरिए इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट मिसबिहेवियर या इनकैपेबिलिटी के ग्राउंड्स पर होगा जिसको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। जज बन कौन सकते हैं? भारत का हर वो नागरिक जिसने हाई कोर्ट्स में 5 साल जज या 10 साल तक वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति जी की नज़र में वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, और हाँ, जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं वो रिटायरमेंट के बाद भारत में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते।